अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो अस्सलाम। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया वर्सेस तुर्की तुर्की का। तो एक इंडिया जो है, आप लोग जानते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री है और काफी बड़ा मुल्क है, काफी बड़ी आर्मी के साथ। और तुर्की जो है, तुर्की को माना जाता है कि तुर्की जो है वो इस्लामिक कंट्रीज में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज पावरफुल है, ये माना जाता है। हालांकि कंट्री उनके पास एटॉमिक बम नहीं है, लेकिन उनकी जो है जीडीपी, ये वगैरह सारा कुछ है, मुआशी लिहाज से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग तो है। इन दोनों कंट्रीज का आज कंपैरिजन करेंगे। मिस्टर कामरान यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मौजूद है और इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए वीडियो देखते हैं मिलके। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी का वेलकम है आज के इस कंट्री कंपैरिजन वीडियो में। तो इस कंट्री कंपैरिजन वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंडिया कंट्री को टर्की कंट्री के साथ। तो इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स बताए जाएंगे, उन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना यार प्लीज, रोही रिएक्शन को। टर्की का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। एरिया 783,356 स्क्वायर किलोमीटर है। टर्की की पॉपुलेशन 84 मिलियन पीपल है और टर्की की जीडीपी 794 बिलियन यूएस डॉलर है। इंडिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन पीपल है और इंडिया की जीडीपी 3.15 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। जीडीपी का भी बहुत ज्यादा फर्क है। टर्की में यूनिटरी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक गवर्नमेंट है। टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगन हैं और टर्की के वाइस प्रेसिडेंट फुआद ओक्ते हैं। इंडिया में फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक गवर्नमेंट है। इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। रिलीजियंस में टर्की में इस्लाम 99% है और अदर रिलीजियंस 1% है। लैंग्वेजेस में टर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश है। इसके अलावा टर्की में कुर्मांजी और ज़ाज़ा लैंग्वेज बोली जाती है। इंडिया के रिलीजियंस में इंडिया में हिंदुइज्म 80% है, इस्लाम 14% है और 6% अदर रिलीजियंस हैं। लैंग्वेजेस में इंडिया में हिंदी, उर्दू, गुजराती और बंगाली बोली जाती है। टर्की का कैपिटल अंकारा है। टर्की का लिटरेसी रेट 96% है और टर्की में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 इयर्स है। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। इंडिया का लिटरेसी रेट 80% है और इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 इयर्स है। काफी अच्छा मुल्क है यार। लास्ट ईयर टर्की ने 212 बिलियन यूएस डॉलर की टोटल इम्पोर्ट्स की और 167 बिलियन यूएस डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट्स की। और टर्की की मेन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है। लास्ट ईयर इंडिया ने 604 बिलियन यूएस डॉलर की टोटल इंपोर्ट्स की, 513 बिलियन यूएस डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट्स की। बहुत अच्छी जा रही है इंडिया और इंडिया की मेन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स है। टर्की का डिफेंस बजट 22 बिलियन यूएस डॉलर है। मिलिट्री पावर रैंकिंग में टर्किश मिलिट्री 11th नंबर पर है। टर्किश मिलिट्री में 437,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। 3,045 बैटल टैंक्स हैं, 1,056 टोटल एयरक्राफ्ट हैं और 149 नेवल शिप्स हैं। इंडिया का डिफेंस बजट 73 बिलियन यूएस डॉलर है। मिलिट्री पावर रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री 4th नंबर पर है। इंडियन मिलिट्री में 15 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, 2,119 बैटल टैंक्स हैं, 4,730 टोटल एयरक्राफ्ट हैं और 285 टोटल नेवल शिप्स हैं। चेक करें, तो यहीं तक थी आज की ये कंट्री कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। क्या कमाल इन्फॉर्मेशन दी है यार, बहुत ही के बारे में बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखें कि अगर इस लिहाज से अगर हम ये करना चाहें, डिसाइड करना चाहें कि कौन सी कंट्री जो है काफी स्ट्रांग है, तो मेरे ख्याल में तो इंडिया बहुत ही ज्यादा आगे था। जीडीपी में भी और पॉपुलेशन में भी, एरिया में भी, जीडीपी हर चीज के लिहाज से, डिफेंस बजट में हर चीज में बहुत ही ज्यादा आगे जा रहा था। तो इस तरह की अगर आप इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो यार रोही रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।